नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं जी बिजनेस, मैं हूं ब्रिजेश। देश में दो बड़े शहरों में आग से काफी नुकसान हुआ है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली, कोलकाता और श्रीनगर में बड़ी आग लगी और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। कोलकाता के बागड़ी बाजार में लगी आग से 425 दुकानों को खतरा है, तो आग से कई इमारतें खाली करा दी गई हैं। दुकानों में कई ज्वलनशील चीजें हैं जिससे आग बढ़ने का खतरा है। तो दिल्ली में एक जूते की फैक्ट्री आग में जलकर खाक हो गई। दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं कोलकाता और दिल्ली से। दोनों बड़े शहरों में आज आग लगी है। बागड़ी बाजार कोलकाता का, वहां पर 400 से ज़्यादा दुकानों पर खतरा है। हालांकि दमकल कर्मी पूरे जोर शोर से आग बुझाने में लगे हुए हैं। चलिए अब बात कोलकाता की। कोलकाता में आग पर इस वक्त की बड़ी खबर है कि जहां आग लगी है, दुकानों में परफ्यूम, प्लास्टिक के खिलौने हैं जिससे आग फैलने का खतरा है। वहीं कोलकाता के मेयर सोवन चैटर्जी का आरोप है कि बार बार बताए जाने के बाद भी प्रशासन ने इलाके में आग बुझाने के कोई इंतजाम नहीं किए। लोगों का आरोप है कि पानी की कमी की वजह से आग बुझाने में परेशानी हो रही है। बागड़ी बाजार के 5 ब्लॉक में करीब 3,000 दुकानें हैं और इलाके में चारों तरफ बिजली के तार हैं, इसलिए सीढ़ी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस वजह से बिना सीढ़ी के ही आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि हादसे की जांच के लिए जरूरत हुई तो कमेटी बनाई जाएगी। कोलकाता की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कंजेस्टेड मार्केट है ये, और बिजली के तारों की वजह से सीढ़ी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। धुएं का गुब्बार उठता आप देख सकते हैं तस्वीरों में। हम लोग फायर फाइट कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन इतना दुकान है, इतना नैरो प्लेस है, फायर फाइटिंग करने से बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। फिर भी अभी फर्स्ट फ्लोर में फायर फाइटिंग आदमी लोग घुस गया है, ग्राउंड फ्लोर में गया है, लेकिन ऊपर में जो फिफ्थ फ्लोर है उधर थोड़ा आग ज़्यादा है, वो भी फाइटिंग चल रहा है। बगल का मकान से आग, बगल का मकान में जाने का कोई संभावना नहीं है। फिर भी हम लोग है, 30 इंजन काम कर रहा है, सब कोलकाता पुलिस है, सिविल डिफेंस है, सब लोग एकजुट होकर काम कर रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि जरूरत हुई तो जांच के लिए कमेटी बनाई जाएगी। कोलकाता के बागड़ी बाजार में भीषण आग के बाद क्या स्थिति है, उसका जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता पूजा मेहता ने। आज सुबह 2:45 पे ये सी बागड़ी मार्केट में एक भीषण आग लगती है। आग की शुरुआत होती है ग्राउंड फ्लोर से और धीरे धीरे जो है जितने भी फ्लोर्स है वो आग की लपटों में आ जाते हैं। आप देखिए किस तरीके से अभी भी जो सेकंड और थर्ड फ्लोर है वहां से किस तरीके से धुआं अभी भी निकल रहा है। फायर फाइटिंग जो है ऑपरेशन यहाँ पे चल रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, यहाँ पे हाइड्रोलिक लैडर होने के बावजूद उसे यूज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी तार है आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरे गली के अंदर ऐसे तार है, इस वजह से हाइड्रोलिक लैडर को नहीं इस्तेमाल किया जा पा रहा है। इस वजह से जितना भी पानी डालने का जो काम है वो आसपास की जो इमारत है उसी से डालने का काम हो रहा है, पास की इमारत से। फिलहाल और एक दिक्कत ये आ रही है क्योंकि इतना कंजेस्टेड इलाका है यहाँ पर, तो एक एक कर ही दमकल की गाड़ियां यहाँ तक पहुंच पा रही है और पानी की भी कमी जो है स्थानीय लोगों का ये कहना है कि कमी आ रही है। इस वजह से जब एक इमारत से जब बागड़ी मार्केट में पानी डाला जा रहा है तो बीच बीच में पानी खत्म हो जाने पर जो है आग और भी ज्यादा फैलती जा रही है। फिलहाल जो है ग्राउंड फ्लोर से लेकर ऊपर जो टॉप फ्लोर है, क्योंकि ये 5 मंजिला इमारत है, 4th फ्लोर तक आग जो है फैल चुकी है। अभी तक जो है आग को काबू में नहीं किया जा पाया है और फिलहाल जो है फायर फाइटिंग ऑपरेशन चल रहे हैं। कोलकाता से कैमरा पर्सन देवाशीष वॉटरबैल के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया।
और आग लगने के बाद लोगों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। फैल रही है और उसके बाद पानी का बहुत बड़ा शॉर्टेज है। इनके पास वो आदमी लेडर भी नहीं है कि जिससे अंदर जा सके, और अभी भी कटर भी नहीं आया और लेडर भी नहीं आया है। और पानी हमेशा फोर्स है ही नहीं, पानी में फोर्स है ही नहीं, और ये जो है और बढ़ती जा रही है, बैग आग बढ़ती जा रही है साइडों में। एसी का सिलेंडर है उसका कारण फटने से और आगे ऊपर तक बढ़ गई है, पर अभी तक नहीं है। फायर ब्रिगेड भी लेट आया था ना, आधा घंटा लेट आया था। ए ब्लॉक तो पूरा गया हुआ है, पूरा आग से लिपटा हुआ है। फिर ए ब्लॉक बी ब्लॉक दोनों गया हुआ है। सी ब्लॉक तक अभी उस साइड अंदर आ गए हैं, फुल ऑफ केमिकल्स, फुल वो सब मेडिसिन वगैरह सारे हैं, तो उसमें तो आग लगी रहा है सारा में, और अभी भी वो जल रहा है। सब कॉस्मेटिक्स और मेडिसिन वगैरह का सब दुकान है।